तो रेसलमेनिया 34 जो कि है वो काफी सारे सरप्राइजेस अपने साथ लेकर आ सकता है। तो क्या होने वाले हैं वो सरप्राइजेस, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं अरमन, चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले जो कि रोक है वो काफ़ी ज़्यादा टीज्ड है कि वो रिटर्न कर सकते हैं रेसलमेनिया 34 पर। हालांकि उनके जो कि अभी तक के रोल्स हैं वो भी रिवील कर दिए गए हैं, बट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं और मैं कह नहीं सकता और मैं कहना भी नहीं चाहता, बिकॉज वो कह नहीं सकते भी सही होंगे गलत होंगे कुछ भी होंगे, बट वो हो सकते हैं। क्विक अपडेट थी कि मैं आपको बताता हूँ, रोमन रेंस जो कि हैं वो शायद जो कि हेल्प ले सकते हैं ब्रॉक लेसनर को हराने के लिए द रॉक से, ऐसा कि जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, बट ये मुझे नहीं लगता होगा। और WWE ने शायद कुछ अच्छा और कुछ इससे बढ़िया प्लान किया होगा। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, तो जो कि है ट्रिपल एच से रिलेटेड। जो कि ट्रिपल एच है वो काफ़ी लंबे टाइम से लड़ रहे हैं और ट्रिपल एच जो कि है वो रेसलमेनिया 34 के बाद ले सकते हैं रिटायरमेंट। ये चीज़ जो कि है काफ़ी हद तक जो कि काफ़ी लोगों को फैंस को नहीं पचेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ऐसा हो रहा है। अभी के टाइम पर जो कि है WWE को नए स्टार्स की ज़रूरत है और WWE जो कि है ट्रिपल एच को प्रॉपरली इस काम के ऊपर लगाना चाहती है। मैं सही सही बात में कहूँ तो ट्रिपल एच जो कि वो प्रॉपरली इसके ऊपर लगना चाहते हैं। तो इस चीज़ के चलते जुलते जो कि है ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि जो कि ट्रिपल एच है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं रेसलमेनिया 34 पर, और रेसलमेनिया 35 पर शायद वो हमें लड़ते हुए ना दिख सकें। और जो कि सबसे बड़ी चीज़ जो कि मुझे लगती है शायद रेसलमेनिया 35 पर उनका जो कि है रिटायरमेंट निकल कर आ सकती है। तो और जो कि चीज़ें उसके बारे में अगर हम बात कर लें, तो सबसे पहले तो जो कि हैं गोल्डबर्ग हैं वो आ सकते हैं WWE के जो कि अंडर द जॉइंट मेमोरियल बैटल रॉयल हो सकता है वहाँ पर, और रेसलमेनिया 35 उनका भी एक रिटायरमेंट मैच हो सकता है जो कि जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर है, वो लास्ट मोमेंट पर वहाँ पे ऐड होगा रेसलमेनिया 34 के कार्ड पर। और सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आ रही है वहाँ पर जो कि हैं अंडरटेकर और रोमन रेंस के कुछ अमेंजेंस जैसी चीज़ हो सकती है, बट सबसे बड़ी चीज़ जो कि हम यकीन कर सकते हैं जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर जो कि है वो करियर वर्सेस करियर मैच हो सकता है। तो ये अभी तक के लिए सबसे बड़ी टीजिंग है। आपको क्या लगता है इनमें से कुछ सच हो सकता है, हो सकता है और सही होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देख लो, उनको सब्सक्राइब वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूँ अरबन।